हेलो भाइयों, तो मैं हूं अंकित धाकड़। फ्रेम में जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। जेड एट एलिस के ऊपर आपको सिर्फ अब 4 एक्सप्लोर मिलता है, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस कार में आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उन सबके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अंकित धाकड़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसा जेन्युइन ऑटोमोबाइल रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे अपन टेक्निकली बात नहीं करने वाले, मतलब जो टेक्निकली बात करते हैं उसके लिए आपको प्रोफेशनल बहुत सारे चैनल यहाँ पे मिल जाएंगे। अपन जो पर्सनली जो कार को देख के जो चीज़ फील होती है और जो आपको लगेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रंट से देखने में कार कुछ ऐसी नज़र आती है, मतलब जो महिंद्रा बोलती है ना बिग डैडी ऑफ एसयूवी, तो वो चीज़ें क्लासीफाई भी करती है, मतलब कि असली में बिग डैडी ऑफ एसयूवी, मतलब सबसे बड़ी। देखो आप साइड में बोलेरो गाड़ी साइड बाय साइड, तो उसकी उससे इसकी हाइट कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है। यहाँ पे जो इनकी बोलेरो नियो पड़ी है उसके कंपेयर में आप, मतलब काफ़ी बड़ी कार ये इन्होंने बनाई, मतलब फॉर्चुनर से भी बड़ी लगेगी आपको ये, मतलब लुक वाइज। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स भी अलग उससे ज़्यादा ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इंजन भले इसमें आपको थोड़ा उससे छोटा मिलेगा, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये कार उससे आपको बेटर VFM वैल्यू फॉर मनी आपको देती है। तो अब इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में बात कर लें। तो शुरुआत करें इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको इससे कुछ इसके जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे आपको LED के सेटअप के साथ में आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें आपको व्हाइट लाइट दोनों में आपको व्हाइट लाइट यहाँ पे दी गई है। जिसकी जो DRL है वो आपको यूनिक सी प्लेस मिलती है, यहाँ पर आपको इसकी DRL मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर। हालांकि जो Z8 वेरियंट उसमें आपको पार्किंग सेंसर फ्रंट में नहीं मिलते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको जो सिल्वर स्कफ प्लेट है वो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगी, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो महिंद्रा का ट्विन स्पार्क लोगो मिल जाएगा, नीचे आपको कैमरा मिलता है, मतलब जो कैमरे की प्लेस, मतलब इसमें आपको जो Z8 वेरिएंट उसमें आपको वहाँ पे कैमरा भी नहीं मिलता। मतलब महिंद्रा वालों, मतलब ऑटोमेटिक और मैनुअल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे बना रखा है। जैसे Z8L ऑटोमेटिक है तो इसमें आपको जो अलॉय 18 इंच के अलॉय मिलते हैं, वहीं आपके जो सिर्फ Z8L मैनुअल है उसमें आपको 17 इंच के अलॉय दिए गए हैं। तो मतलब इन्होंने सिर्फ अलॉय वाइज भी यहाँ पे थोड़ा सा देखा है। तो जैसे मेरी प्रॉफिट मार्जिन होती है टॉप मॉडल में ज़्यादा होती है भाई, तो इस हिसाब से महिंद्रा ने थोड़ा बहुत यहाँ पे किया ही है। यहाँ पे आपको जो क्रोम फिनिश मिल, क्रोम में आपको ग्रिल मिलेगी, यहाँ पे आपको 6 स्लॉट ग्रिल महिंद्रा की मिलती है। अब चलते हैं कार के सीधा साइड में आपको क्या मिलता है उन सबके बारे में बात कर ले। तो उससे पहले मैं आपको कार का एक साइड लुक दे देता हूँ। तो कार साइड से देखने में कुछ ऐसी नज़र आती है, मतलब वही मैं बता रहा हूँ आपको, काफ़ी बड़ी कार इन्होंने बहुत कम प्राइसिंग में प्रोवाइड करवाई है। तो यहाँ पर आपको जो मोटी मोटी व्हील आर्क मिल जाती है, काफ़ी मोटी ग्लाइडिंग यहाँ पर आपको मिलती है, काफ़ी मोटी मोटी ग्लाइडिंग इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की। मतलब जैसे महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये मेरे चैनल पर कम से कम 4th से 5th वीडियो है, तो जैसे अभी ठीक है जो अवेलेबल होता है वो बनाना पड़ता है। यहाँ पे अभी जो छोटी सी टीम रहता हूँ तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो पाती है। यहाँ पे इसके जो टायर प्रोफाइल में बता रहा था, 18 इंच का टायर मिलता है, जिसकी प्रोफाइल है 255/60R18, मतलब 18 इंच का टायर यहाँ पे आपको दिया गया है। वहीं आपका जो मैनुअल आता है इसी में आपको Z8L में मैनुअल, उसमें आपको 17 इंच के अलॉय मिलते हैं, और उनका जो अलॉय पैटर्न वो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। चारों डिस्क ब्रेक मिल जाती है गाड़ी में आपको, तो पीछे चलते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इसकी जो फुटरेस्ट है, आपको सिल्वर में आपको जो व्हील आर्क मिल जाए, बॉडी ग्लाइडिंग यहाँ पे आपको सिल्वर में मिलती है, और ऊपर आपको जो ब्लैक ही यहाँ पे आपको दी गई है। ऐसे कुछ मिलते हैं इसके बड़े बड़े ORVM जिनका क्लियर व्यू होता है। स्कॉर्पियो इनका मैंने टेस्ट ड्राइव रिव्यू भी दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। ऐसे कुछ मिलते हैं इसके वाइपर, जो कि एंटी क्लीन वाइपर है, मतलब यहाँ पे अच्छे खासे प्रीमियम क्वालिटी वाइपर इन्होंने यूज़ किए। यहाँ पे आपको वॉशर मिल जाता है, ऑटोमेटिक वाइपर मिलते हैं इसमें आपको, जिसके सेंसर आपको वहाँ पे ऊपर दिए जाते हैं। इसके रूफ्रेल्स जो कि फंक्शनल है, रूफ्रेल्स सिल्वर रूफ्रेल्स यहाँ पे आपको दी गई है। चलते हैं कार के सीधा पीछे, पीछे आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इसका पीछे क्वार्टर पैनल मिलता है आपको। तो इसका जो क्वार्टर पैनल है, मतलब वो बहुत सारे इसको MG ग्लोस्टर से भी कंपेयर किया, तो हालांकि मतलब देखो कार पे पूरा प्रॉपर एक अलग से लुक तो कोई कंपनी देती नहीं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉपीकेट तो आपको कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही सही। अब चलते हैं कार के सीधा बैक में, तो बैक से देखने में कार कुछ ऐसी नज़र आती है। यहाँ पे आपको जिसके टेल लाइट है आपको वोल्वो इंस्पायर्ड यहाँ पे आपको मिलते हैं, हालांकि लोगों ने इसको वेगनार से भी कंपेयर किया, लेकिन मैं इसको वोल्वो से ही कंपेयर करूँगा। यहाँ पे पीछे आपको वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाते हैं, पीछे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। अब कार का जो बूट स्पेस है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया है, उसका जो बूट है यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिल जाता है, जिससे आपकी बूट इजीली ओपन हो जाती है, और बूट स्पेस तो आपको कुछ बचता नहीं है यहाँ पे, कहीं मेरे को हिसाब से 60-70 लीटर बूट स्पेस आपको मैक्स टू मैक्स इतना ही है होगा। यहाँ पे आपको डोर ओपनर पीछे सब कुछ मिलता है। उसका जो बूट है अगर वो ऊपर की साइड ओपन होता तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता, लेकिन साइड में भी चलो ठीक है, महिंद्रा ही ज़्यादातर कार में आपको साइड फेसिंग ही मिलता है, एक्सेप्ट XUV700O, तो उसमें आपको अपर ओपन साइड आपको बूट ओपन होता है। तो यहाँ पे आपको नीचे क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। पीछे आपको 4 पार्किंग सेंसर, कैमरा, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई है। और चलते सीधा कार के अंदर, उससे पहले यहाँ पे आपको एड्रेनोक्स कनेक्ट मिल जाता है, इसमें आपको 57 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। तो कार के अंदर चलते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले इसका जो डोर खुला है इसको अपन थोड़ा सा
देखो भाई इसमें कीलेस एंट्री आती है, मतलब अंदर भी आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, फिर भी इसमें आपको महिंद्रा ने फ्लिप की दी है, तो मतलब कुछ सोच के ही दी होगी महिंद्रा ने इसमें आपको यहाँ पे फ्लिप की दी है। हालांकि यहाँ पे आप कहीं फिर इस की को इंसर्ट तक नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपको फिर भी फ्लिप की मिलती है। तो चलते हैं कार के अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको चारों पावर विंडो मिलती है, दो ऑटो अप डाउन के साथ में मिलेगी। यहाँ पे आपको जो सिल्वर फिनिश में आपको डोर ओपनर मिलता है, लेदर राइट यहाँ पे आपको इसमें आपका जो ये मिलेगा और डोर आपको यहाँ पर लेदर राइट में यहाँ पे दिया गया है। अब चलते हैं कार के अंदर। अंदर से कार थोड़ी गंदी हो रही है, तो ठीक है अब थोड़ी सी गंदी मिल रही है तो चलता है इतना सा। तो यहाँ पे बैठ गया हूँ अब मैं। तो अंदर बैठते से सबसे पहले नज़र पड़ेगी आपको महिंद्रा टून स्पार्क लोगो। स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको भी मैं सीधा कर लेता हूँ। तो बंद गाड़ी में काफ़ी जान लगानी पड़ती है, तो यहाँ पे इसका सब सारे कंट्रोल इस साइड इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलते हैं। इसका जो ब्लोर स्पीड है काफ़ी तेज हो रखा है, तो अभी इसको कम करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो ये सब मैं आपको दिखा चुका हूँ, इस साइड आपको सारे इसके इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कंट्रोल मिलते हैं। इसमें आपको टायर डायरेक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे पता चलता रहता है। तो सारे मतलब सारे फीचर इसमें आपको अच्छे खासे यहाँ पे आपको मिलते हैं, क्योंकि देखो फीचर तो कार में भर भर के, सो बात की एक बात, फीचर तो बहुत मिलेंगे आपको। इतने फीचर आपको शायद इस प्राइसिंग में किसी मिलने वाले हैं। हालांकि अब क्या सेल्टोस वगैरह इनके भी आ गए, तो उसमें आपको कॉम्पिटिशन तगड़ा होने वाला है। यहाँ पे आपको जो टिकट होल्डर दिया गया है, इस साइड आपको मिरर भी मिल जाता है विद लाइट। यहाँ पे आपको जो वन टच सनरूफ इसकी मिलती है यहाँ पे, तो अरुण पवार के सनरूफ की वजह से यहाँ पे लोचा हुआ था थोड़ा सा, तो इसमें आपको वन टच सनरूफ यहाँ पे आपको मिलती है। जैसे आपके सनरूफ ओपन होती है यहाँ पे आपका कर्टन सामने आ जाएगा, तो सनरूफ भी काफ़ी बड़ी है, मतलब इस कंपनी इतनी छोटी सनरूफ आपको नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको आमरेस मिल जाता है, जिसके नीचे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाती है अच्छी खासी, तो इसमें आपको थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आपको मिलती है। दो कप होल्डर मिल जाएंगे हैंड ब्रेक को जैसी मिलती है, गियर लीवर इसमें आपको यहाँ तक इसमें पी आर एम जो भी सब यहाँ पे आपको मिलता है, जिसके मोड है वो सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। अभी इसको इससे शिफ्ट लॉक, तो यहाँ से जैसे आप इसको शिफ्ट लॉक कुछ ये है इनका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ से आप इसको ऐसे ऐसा कुछ मिलता है इसका, उसको हम ऐसे मैनुअल में भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक में भी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको। हालांकि इसमें आपको पेडल शिफ्टर नहीं मिलते, मतलब पेडल शिफ्टर मिलते तो काफ़ी अच्छी ये कार बन जाती है। मतलब अभी भी है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि बेकार, मतलब पर डोर जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, वो आर यू मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। फीचर तो भर भर के भी फीचर की बात करने बैठेंगे तो घंटे भर का वीडियो बन जाएगा। आपको ऐसे कुछ उसकी जो ग्लव बॉक्स मिल जाता है, तो पीछे देखो, पीछे तो स्पेस भर भर के मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, 6 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट यहाँ पे आपको मिलती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल ही जाएगी। अब चलते हैं पीछे आपको क्या क्या मिलता है, एक बार मैं दिखाई देता हूँ आपको ओवरव्यू। तो पीछे का डोर का दिखा देते हैं। पीछे के डोर पे आपको वही सेम चीज़, यहाँ पे आपको पावर विंडो स्विच मिल जाएगा, डोर ओपनर, वाटर होल्डर, स्पीकर, सोने का म्यूजिक सिस्टम आता है, तो काफ़ी तगड़ा म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है। इसमें आपको 60 स्प्लिट सीट्स यहाँ पे आपको मिलती है। इसमें आपको कैप्टन सीट का वेरियंट मेरे को मतलब आइडिया नहीं, मैं आपको चेक करके एक बार आपको स्क्रीन पर शो करवा दूँगा। यहाँ पे आपको पीछे से आप इसकी जो फैन स्पीड है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूएसबी सी टाइप पोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। बीच में आपको थोड़ा सा हम्प मिलेगा, मीडियम सा, तो वह सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। इसकी सनरूफ अभी वर्क करेगी कर रही हो, देखते हैं। तो अभी इसकी सनरूफ यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, तो उसके लिए आपको इग्निशन तो ऑन करना ही पड़ेगा, सनरूफ वर्क करवानी है। तो पीछे इस पे जो कि मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले एक रिव्यू में, तो ये सारी हो गई चीज़ें इस कार के बारे में। इसके जो अब मेन बात करते हैं इसके इंजन स्पेक्स की, तो इस कार का जो इंजन स्पेक्स है वो आपको अपने स्क्रीन पर शो हो ही रहे होंगे। इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जिसमें आपको पावर मिलती है, वो सब आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। तो आपको वह कार कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए अंकित दाकर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।